गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। इस बढ़ते हुए तापमान का असर मानवीय शरीर पर ज्यादा होता है। इस वजह से कभी कभी मृत्यु होने की भी घटनाएं होती है। इसके मद्देनजर नागपुर महापालिका की ओर से धूप से बचने के लिए की जाने वाली उपयोग के मद्देनजर हीट एक्शन प्लान इस योजना की ओर शुरुआत की गई। दीक्षा भूमि परिसर स्थित माता कचेरी में हुए इस कार्यक्रम में महापालिका और आरोग्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही मार्च अप्रैल में महीने में वातावरण में बदलाव होकर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये तापमान 47 डिग्री के ऊपर जाते हुए देखा गया है। बदलते मौसम की वजह से धूप भी बढ़ने लगती है, जिसका असर मानवीय शरीर पर होता है। खास तौर पर काम करने वाले मजदूर, छोटे बच्चे, बुड्ढे, इन्हें बढ़ती धूप की वजह से तबीयत खराब होने की घटनाएं होती है। इस वजह से कभी कभी मृत्यु भी होती है। इसी के मद्देनजर बढ़ते धूप की वजह से नागरिकों को अपने बचाव हेतु और आरोग्य विभाग की ओर से हीट एक्शन प्लान यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बढ़ती धूप से बचाव करने के लिए जरूरी उपाय योजना करने के बारे में जानकारी दी गई। कैमरा पर्सन प्रीतम मानकर के साथ प्रणीता शिरपुरकर की रिपोर्ट, सिटी विदर्भ न्यूज के लिए। जैसे आपको मालूम है, नागपुर में टेम्परेचर काफी बढ़ते हैं अप्रैल, मई और जून में, और टेम्परेचर 47.7 डिग्री तक भी जाते हैं, और इससे हीट स्ट्रोक हो सकते हैं और हीट वेव्स आते हैं, उससे भी बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके लिए हीट एक्शन प्लान 2016 बनाया गया है, और इसके लिए हमें हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुजाता सोनिक मैडम का गाइडेंस प्राप्त हुआ है। उन्होंने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन हमें किया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से और हमने हीट एक्शन प्लान बनाया है। आपको मालूम है, अहमदाबाद में भी काफ़ी टेम्परेचर बढ़ता है, तो 2010 में जब अहमदाबाद में हीट वेव आया था, तब बहुत सारी मॉर्टेलिटीज़ हुई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु उस हीट वेव के वजह से हुई थी। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ हीट वेव आते हैं, तो उस कंट्रीज़ का उन्होंने स्टडी किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल, इन लोगों से चर्चा की, और ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में, और उन्होंने हीट एक्शन प्लान 2013, 14, 15 और 16 ऐसे उन्होंने फॉर्म किए हैं। और चार साल से उन्होंने देखा कि हीट वेव की वजह से जो मृत्यु का प्रमाण है वो बहुत कम हो गया है। तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम ने ये जब अहमदाबाद का एक्सपीरियंस के बारे में जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नागपुर में, विदर्भ और मराठवाड़ा में, अपने यहाँ भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ टेम्परेचर 46-47 डिग्री से ज़्यादा जाता है। तो इनिशियल स्टेज में 6 डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव किया गया है, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, अकोला, जलगांव और नांदेड़। तो इन डिस्ट्रिक्ट में ये हीट एक्शन प्लान का फॉर्मुलेशन हुआ है।